नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सिंध किसान मोर्चा की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में सिंध किसान मोर्चा ने एमएसपी, किसानों से केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। किसान मोर्चा की अगली बैठक अब 7 दिसंबर को होगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। किसानों की सभी मांगे पूरी होने तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा आगे के संघर्ष की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 मेंबरों की कमेटी बना दी गई है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, अशोक धावले शामिल है। कमेटी गठित होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अब कमेटी का गठन हो गया है, अब सरकार भी खुल के बात करे और कमेटी भी। अगर आप इससे संपर्क कर ले, आप कमेटी है, आप जिससे भी बात करेंगे, ये 5 लोग ऑथराइज कर दिए, अब बिल्कुल सरकार भी खुल के बात करे, ये कमेटी भी खुल के बात करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है, जिसमें वह एमएसपी कमेटी किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। इसके बाद 7 दिसंबर को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इससे पहले किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 लोगों की लिस्ट संयुक्त कृषि सचिव को भेज दी है, जिनके बदले केंद्र से मुआवजा मांगा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की इस अहम बैठक के ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसका भी कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत को उम्मीद है कि सरकार आंदोलन का हल निकालने की दिशा में काम कर रही है। सरकार एक समझौते की तरफ जा रही है और उसका रिजल्ट ये हो गया कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। उनके ये मैसेज थे कि बातचीत करें, तो हमने 5 लोग जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं, सब यही है, ये बातचीत उनसे करते रहेंगे। किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत के लिए 5 नामों का ऐलान कर दिया है, तो साथ ही 2 दिन के भीतर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का अल्टीमेटम भी दिया है। तो वही 7 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये तय होगा कि आंदोलन जारी रहेगा या नहीं। सोनीपत से संवाददाता लाजपत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। लाजपत, आज उम्मीद की जा रही थी कि इस किसान आंदोलन की समाप्ति को लेकर, इसको खत्म करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले थे जिनको लेकर चर्चा इसमें हुई है। आप भी बताइए, क्या कुछ चर्चा हुई, किन किन मसलों को लेकर चर्चा हुई, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, 3 कृषि कानून जब देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू हुआ। जो सिंघू बॉर्डर लगातार जो है बिंदु पॉइंट है, जहां पर लगातार आंदोलन को लीड मिलती है, मजबूती मिलती है। आज की जो बैठक थी वो ऐतिहासिक बैठक रही और बड़ी बैठक रही। इसमें काफी लंबे दौर तक बैठक में चर्चाएं रही, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े हुए अनेक तरह के मुद्दे हैं। सरकार की तरफ से 5 नाम मांगे गए थे, वो 500 नामों पर सहमति हो गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन नामों का खुलासा भी हो गया है। लेकिन फिर मिली तारीख, क्योंकि तारीख पर तारीख मिलती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को जब से वापसी लिया है, उसके बाद बैठकों का दौर जारी है और फिर तारीखों पर तारीख मिल रही है। अब कैसे तारीख मिली है, 7 तारीख, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम किसान है उनके अंदर एक ही चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापसी ले ली है, लेकिन एमएसपी की मांग है, मुकदमों की मांग है, अनेक तरह के जो इस आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत है, लेकिन इस बात पर जभी सहमति बातचीत हो सकती है, क्योंकि गुरनाम चढ़ूनी जो सबसे बड़ा चेहरा है हरियाणा का, उनकी जो है मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है। कल बैठक हुई थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। आज जो है काफी बड़ी बैठक रही, इसमें भी चर्चाएं रही। सभी स्टेट के जो बड़े चेहरे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए, जो किसान नेता हैं, वो शामिल रहे। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और 5 लोगों के नाम निकल कर आए। आवाज तो सही करवाओ। तारीख मिली है 7 तारीख और उसके बाद जो है बोलिए बोलिए, आप जानकारी दीजिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, तारीख जो मिली है वो 7 तारीख फिर से रखी गई है। उससे पहले अगर सरकार से 5 लोगों से बातचीत होती है
तो कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि जैसे सभी ने कहा कि सरकार से बातचीत होती है, समाधान होता है। जो मुख्य मांगे हैं देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी हुई सभी मांगों का जो जिक्र किया गया था उन पर बताई जाती है, किसी चर्चा होती है, बातचीत होती है, ये इस पर चर्चा जरूर फिर 7 तारीख को रखी जाएगी। 7 तारीख फिर से बड़ी बैठक होगी जिसमें कोई बड़ा निर्णय निकल कर आ सकता है। किसानों ने अभी यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहाँ पर किसान आंदोलन के जो आशिया ने वो 10 के 10 किसान यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी बात पर रुके हुए हैं, जो अलग अलग स्टेटों में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको खारिज किया जाए, MSP की मांग है उस पर चर्चा हो, अनेक तरह के मुद्दे हैं, 26 जनवरी का मुद्दा है और काफी मुद्दे ऐसे हैं, खीरी का मुकदमा है, काफी मुकदमे ऐसे हैं जिन पर चर्चा सरकार से एक बैठकर पांच लोग करेंगे, इसके बाद ही कोई और अगली रणनीति बनाई जाएगी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं, लेकिन आज इस बड़ी बैठक से जो दो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें पहली बात तो यह है कि MSP पर कानून की गारंटी के लिए सरकार की ओर से जो 5 नाम मांगे गए थे वो 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और ये 5 नाम सरकार को सौंपे जाने हैं। इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि क्योंकि सरकार की ओर से ये कहा गया है, केंद्र सरकार की ओर से, कि कितने किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है और जब डाटा नहीं है तो मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसानों ने 702 किसानों की जो लिस्ट है वो सरकार को सौंप दी है और कहा गया है कि अब जो आंकड़े आपके पास नहीं थे वो आंकड़े हमारे पास हैं, हमने आंकड़े आपको दे दिए हैं, किन किन किसानों की मौत हुई है, कैसे हुई, कब हुई, ये भी हमने आपको जानकारी दे दी है, अब आप बताइए कि मुआवजा आप देंगे तो कैसे देंगे और कब देंगे। तो कुल मिलाकर के ये संयुक्त किसान मोर्चा की, जिससे आज देश भर को उम्मीदें थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि हो सकता है कि आज इस आंदोलन को वापस लेने को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और अब एक और नई तारीख मिल गई है, 7 दिसंबर। अब 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसमें कहा जा रहा है कि आंदोलन वापसी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर आज भी यही बात कही जा रही थी लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बैठक की है उसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे और MSP पर कानून की गारंटी के लिए जो सरकार से बातचीत करेंगे, जो कमेटी में लोग मौजूद रहेंगे जिसमें कुछ वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, उसमें बताया जा रहा है कि शिव कुमार कक्का का नाम शामिल है, इसके साथ ही राकेश टिकैत का नाम उसमें शामिल है, जोगेंद्र ग्राह का नाम शामिल है, गुन्नाम सिंह चढ़ूनी का नाम शामिल है, तो कुल मिलाकर के राज्यवाल का नाम शामिल है, 5 नाम बताए जा रहे हैं जो उस कमेटी में शामिल रहेंगे और ये फैसला आज किसानों की ओर से लिया गया कि कौन से वो 5 नाम हैं, 5 नाम वो फाइनल कर लिए गए हैं। और कल हरियाणा से जो जुड़े किसान संगठन हैं जिसमें बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी उन्होंने और उनके साथ ही कई किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी लेकिन कल कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब इसको लेकर क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो आपको हम सुनवा देते हैं, सुनिए। होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और सामान्यतः पहले भी ऐसे एजिटेशन होते रहे हैं और उसमें भी ऐसे समझौते होते हैं तो जो चीज़ें बहुत हमें कठिनाई पैदा करने वाली नहीं है वो तो किए ही जा सकते हैं लेकिन करेंगे जब सारी बातचीत फाइनल होगी। हाँ जी, इस महीने कोई समझौते के आसार हैं? अब वो क्या पता, आज जैसे उन्होंने बातचीत की है हो सकता है वो कल ही आके मिल जाए और कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हर खबर हरियाणा के एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, किस तरीके से देखा जाए मुख्यमंत्री के इस बयान को और इसके साथ ही कल जब गुरुनाथ सिंह चढ़ूनी ने उनसे मुलाकात की थी, उनके साथ और भी किसान नेता मौजूद थे, उन्होंने जो मुलाकात की थी और बाहर आकर कहा मीडिया से बातचीत में कि हमारी सहमति नहीं बन पाई है, सरकार का रुख ना तो कोई बहुत ज्यादा सख्त था ना बहुत ज्यादा नरम था लेकिन सहमति नहीं बनी है, कैसे देखें इस पूरे मामले को? बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से कल किसान प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री के साथ करीब करीब 4 घंटे तक दो दौर की वार्ता हुई, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री के जवाब का, मुख्यमंत्री के बयान का इंतजार किया जा रहा था और अब
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वो और पूरी सरकार समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि जो चीजें मुमकिन हैं उन्हें ही माना जा सकता है, जिनमें कोई कठिनाई ना हो उन्हीं चीजों को माना जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि जब आपस में समझौता होता है तब बहुत सारी चीजें होती हैं, जो चीजें कठिनाई पैदा करने वाली नहीं है वही की जा सकती है, लेकिन जब सारी बातचीत फाइनल होगी तब चीजों को और मंथन उनके ऊपर किया जाएगा, और अभी फिलहाल जो समझौता है वो कभी भी हो सकता है, ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री से जब सरकार के रुख को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जितनी भी किसानों की मांगे थी उनके ऊपर लगातार विचार किया जा रहा था, जो सबसे बड़ी मांग थी वो पहले ही केंद्र सरकार मान चुकी है, और ऐसे में जो ऐसी मांगे हैं जिनके ऊपर सरकार के सामने कोई कठिनाई नहीं है उनको मानने में सरकार को कहीं ना कहीं कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि किसानों का एक 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल आज नया बनाया गया है वो कब मिलने आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो क्या ये माना जाए आशीष की जो मामला फंसा हुआ है वो इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि जिन किसानों की मौत हुई है, क्योंकि सरकार तो बार बार कह रही है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है उसमें 702 किसानों की लिस्ट दे दी गई है सरकार को, ये भी जानकारी दी गई संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की ओर से। तो क्या ये माना जाए कि जो मामला फंसा हुआ है अब वो इस बात को लेकर फंसा हुआ है कि कितने लोगों की मौत हुई ये तो बता दिया गया किसानों की ओर से, लेकिन सरकार कह रही है हमारे पास आंकड़े नहीं है, और जब आंकड़े नहीं है तो मुआवजा हम देंगे कैसे, तो मुआवजे को लेकर क्या ये माना जाए कि मामला फंसा हुआ है? बिल्कुल अमित, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कल बैठक खत्म हुई थी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पूरी मीडिया के सामने एक ही बयान को बार बार दोहराया था कि हमारी सहमति नहीं बन पाई। ना तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये स्पष्ट किया था कि वो क्या पेच हैं जिसके ऊपर मामला फंस गया है, और ना ही सरकार की तरफ से भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्थिति सरकार की तरफ से भी सामने स्पष्ट तौर पर नहीं आ पाई। लेकिन आज राकेश टिकैत ने जब हरियाणा में हुई बैठक को लेकर बयान जारी किया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जो किसानों को मुआवजा देने की बात है, जो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए उनके परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग के ऊपर पेच फंसा है, ये स्पष्ट तौर पर राकेश टिकैत ने साफ किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार हरियाणा में जो एक मांग की जा रही है किसानों के द्वारा कि एक शहीदी स्मारक के लिए जमीन दी जाए, उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। ये दो प्रमुख ऐसी मांगे हैं जिसके ऊपर अभी सारा का सारा जो मामला है वो बीच में लटक गया है। हालांकि अगर हम मुकदमों की बात करें तो मुकदमों की वापसी का रास्ता लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है, इक्का दुक्का चीजों को छोड़कर। लेकिन जो बड़ा पेच है वो इस वक्त यही फंसा हुआ है कि किसान जो मांग कर रहे हैं कि आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार से किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, और साथ ही शहीदी स्मारक के लिए जमीन दी जाए, इसके ऊपर सरकार भी कहीं ना कहीं कठिनाई में है। सरकार के सामने ये मुश्किल है कि ऐसी मांगों को कैसे मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, बहुत शुक्रिया आपका। आशीष अग्रवाल जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हर खबर हरियाणा के, वो ज़्यादा जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि जो मामला फंसा हुआ है वो किन बातों को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि इसको लेकर दोनों तरफ से ना तो किसानों की ओर से कुछ ऐसा कहा गया ना ही सरकार की ओर से कुछ ऐसा कहा गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक तो मुआवजे को लेकर, परिजनों को नौकरी देने को लेकर, और सोनीपत में शहीद स्मारक की बात किसानों की ओर से उठाई जा रही है उसको लेकर मामला जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है।